स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धा। ये पूजा किस लिए की जा रही है खान साहब? आज हमारी तेज बिटिया का जन्मदिन है और हर साल की तरह राजा साहब उसकी लंबी उम्र के लिए हवन करवाते हैं। राजा साहब तेज का जन्मदिन नहीं बल्कि हमारा मरण दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। खान चाचा, राजा साहब को तो ये भी पता नहीं होगा कि तेज का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था। तुम्हारे चेहरे पर कुछ तनाव सा है, तबीयत तो ठीक है ना? हमारी तबीयत का इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए राजा साहब कि आप आग के पास रहकर शांत नहीं है और हम दिल में आग रखकर भी शांत हैं। आग से जरा बचकर बैठना वरना झुलस जाओगे। जिनके बदन कागज के होते हैं वो अग्नि देवता की पूजा नहीं करते। राजा साहब, दरअसल तेज आपकी बेटी नहीं बल्कि हमारी बहन गुड़िया है। आज से 20 साल पहले बलवंत हमारी गुड़िया को आपकी दहलीज पे छोड़ गया था। राजा साहब, आज हम आपसे अपनी बहन, अपनी गुड़िया वापस मांगने आए हैं। तुम्हारा कह देना और बलवंत का बयान ये कोई सबूत नहीं है कि हमारी बच्ची वही बच्ची है। खून के रिश्ते कभी सबूत के गुलाम नहीं हुआ करते। राजा साहब, गुड़िया हमारी जान है, जिगर है, हमारा दिल है। हम उसके बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकते। राजा साहब, ये हमारे दिल की आवाज है। तुम अपने दिल की बात कर रहे हो, इस दिल का क्या होगा जिसने आज 20 बरस से उसे अपने साथ लगाए रखा। पशु, तुम ही बताओ, अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? हम उसे हरगिज वापस नहीं लौटाते। मगर आप ऐसा नहीं करेंगे राजा साहब। वैसे भी आपको देने की आदत है, आपके अंदर त्याग की क्षमता है। राजा साहब, आप हमारी गुड़िया को हमें वापस लौटा दें। जब खून के रिश्ते को वक्त की तलवार भी नहीं काट सकती तो फिर हम ऐसा क्यों चाहेंगे? तेज की खुशी हमारी सुबह है, हमारी शाम है। ये फैसला हम तेज पर छोड़ते हैं। किसने डाला रे हमारी बहन? हमने आज तक किसी चीज से इतना प्यार नहीं किया जितना हमने तुमसे किया। गुड़िया, जब तुम राखी बांधने लायक नहीं हुई थी, हमसे छीन ली गई, तुम हमें कभी ना कभी जरूर मिलोगी, बस इसी एक उम्मीद ने हमारी सांसों के धागों को अब तक नहीं टूटने दिया। तुमसे बिछड़ने के बाद हम बहुत तड़पे हैं गुड़िया, हम बहुत तड़पे हैं। भैया? हाँ गुड़िया। भैया? हाँ गुड़िया। हाँ, तेज हमारे पास रहे या ना रहे, हम उसकी खुशी और उम्र दराजी की दवा हमेशा मांगते रहेंगे। पंडित जी, आप पूजा जारी रखिए पूर्ण आहुति तक। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। गुड़िया,
आ चल घर चल, हम तुझे लेने आए गुड़िया। क्या सोच रही है बहन, क्या सोच रही है? हमने तो राजा साहब से बात कर ली है, उन्होंने फैसला तुझ पे छोड़ दिया बहन। क्या आपने भी फैसला मुझ पे छोड़ा है या आप खुद फैसला करेंगे? हमारे लिए तो तुम्हारी खुशी ही सब कुछ है बहन। ठीक है बहना, हम भी अपना फैसला तुम पे ही छोड़ते हैं। भैया, अगर मैं ऐसे यहां से निकलूंगी तो उनको बहुत दुख पहुंचेगा, और फिर जिस जिसको ये कहानी मालूम होगी वो जिंदगी में कभी दूसरे की औलाद को अपने सीने से नहीं लगाएगा। गुड़िया, आप ही बताइए, अगर किसी को अपने भाई और बाप के घर में किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनेगा? बाप के घर को ना। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा। गुड़िया, खान चाचा, अपने राजा पृथ्वीराज से कह देना कि आज तो हम अपनी गुड़िया को बहन बनाकर यहां से नहीं ले जा सके, लेकिन बहुत जल्द उसे अर्जुन की दुल्हन बनाकर यहां से जरूर ले जाएंगे। अपने राजा पृथ्वीराज को यह भी कह देना कि बलवंत को तो वह रोक भी सकता था, लेकिन हमें किसी कीमत पर नहीं रोक पाएगा। वो यूं समझ ले कि अर्जुन की बारात दरवाजे पे पहुंचने ही वाली है। खानदान, मान मर्यादा, शान और शौकत, रुतबा और वकार, सदियों की मेहनत और मशक्कत के पसीने और जिंदगी की कशमकश के बाद बनता है। वो हमारे खून को विरासत में मिला। उस विरासत के साए तले मैं बहुत दिन से तेज का तड़पना देखती आ रही हूं, लेकिन अब तेज का तिल तिल मरते जाना मुझसे देखा नहीं गया। इसमें हमारा कसूर? राजा साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक पाप बनकर रहें और पृथ्वीराज को भूल जाए? सूरज अपनी रोशनी की चमक दमक से खुद जलता रहता है, लेकिन क्या वो अपनी रोशनी की तपस से अपने आप को बचा सकता है? क्या चांद अपनी चांदनी त्याग सकता है? क्या सितारे अपना टिमटिमाना थाम सकते हैं? वो खून जो हमें विरासत में मिला, वो खून जो हमें विरासत में मिला, वो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा सिवाय अपनी जान दिए बगैर?